अब डिजाइन करना ही पड़ा क्योंकि ये मजबूरी भी थी और ये रिक्वायरमेंट भी थी। स्पीड इजीली टॉप पिकअप, टॉप रेंज, टॉप स्पीड। और मैंने जहाँ तक देखा है अहमदाबाद में दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको ऐसे कस्टमाइज वाला ऑप्शन मिल रहा है और ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको बना के दे रहे हैं। बाकी सब तो बेच रहे हैं, ये लोग इन्वेंट कर रहे चीज है, तो इन्वेंट जो करते हैं ना उनके पास दिमाग होता है, बाकी सब तो सेल्स में लगे हैं, बस सेल्स बढ़ाओ। बहुत डेंजरस आदमी है। बोला तीन लोग बिठाने अभी, वैसे चल जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से चल जाता है, वैसे लोगों में तो चढ़ भी जाएगा, ब्रिज चढ़ जाएगा। इसमें वजन और स्पीड का कुछ लेना देना नहीं है। दिखाते हैं आपको एक डेमो, बैठ के भी दिखाते हैं, ऊपर छोटी सी ढलान और अंडरग्राउंड वाला पार्किंग है ना, वो पार्किंग भी दिखाते हैं आपको। Got you smiling like that, this one. ठीक है चलो, ये हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे बेसमेंट में। स्टीफ तो है, ये नॉर्मल जो पार्किंग रहता है वैसा ही पार्किंग है। इसका टेस्टिंग होगा दो लोगों के साथ, यहाँ पे पार्किंग का ढलान चल रहा है हम लोग। ये देखो बड़े आराम से, बड़े आराम से ये हो गया। इतना यहाँ से गहरा पार्किंग है, एक एक फ्लोर नीचे वाला पार्किंग है ये। तीन लोगों को बिठा के ये लोग ब्रिज चलते थे, ठीक है। तो ये पार्किंग तो कुछ नहीं है। अपने टेस्टिंग में आपको दिखा नहीं पाया, जब मैं व्हीकल चला रहा था एक पर्टिकुलर स्पीड पे आने के बाद इसकी मोटर में से जो हमिंग वाला जो नॉइज आता है, जो आप सुनते हो अगर जेट अगर फ्लाइट ले रहा था, वो आवाज आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। आपको सुनाता हूँ, देखो। अरे बहुत मजा आता है जब ये चलाते हैं और जब ये आवाज आता है ना, तब एकदम ऐसे 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 होता है कि साला क्या चला रहा है, उड़ने वाला है लगता है क्या। ये सब आपको रेगुलर जो बिकते हैं वो इलेक्ट्रिक स्कूटर पे देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये सच बता रहा हूँ, ठीक है, ये सच है। अब मेरा बाइक मयंक भाई चलाएंगे और महर्षि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके गए हैं। अब उनका शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे इसके सिनेमैटिक्स रहते हैं रोड पे, कैसा लगता है अगर जब ये रोड पे चलता है तो कैसा लगता है। ये कुछ प्रैक्टिकल चल रहे हैं हमारे, हम लोग ऑलरेडी 55-60 पे चल रहे थे और महर्षि भाई बाहर है, हमसे भी तेज जा रहे हैं, हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक टाइम तो ऐसा पकड़ लो इसको, लेकिन इलेक्ट्रिक चल रहा है कि भगता ही जा रहा है, भगता ही जा रहा है। मैं इतना परफॉर्मेंस तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतना तेज और इतना बढ़िया तरीके से चल सकता है। तो मयंक भाई हमको ओवरटेक कर रहे हैं, साथ साथ में चल रहे हैं, मतलब 65-70 की स्पीड इजीली ये जो इनका बेस वेरिएंट है उसमें अचीव कर रहे हैं। तो हमने दिखा दिया आपको व्हीकल कैसा है, दिखने में कैसा है, चलाने में कैसा है, वो भी छोटा छोटा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब बात करते हैं पॉइंट की कि कितने रुपए में ये व्हीकल लगेगा, तो कस्टमाइज क्या हो सकता है, किस तरीके से प्राइसिंग होता है, वो सब जानेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कितनी स्पीड चाहिए, दूसरा है कि रेंज कितना चाहिए आपको, समटाइम्स समार लाइक कि मुझे 80 किलोमीटर रेंज चाहिए, समार लाइक मुझे 150 प्लस रेंज चाहिए, और तीसरा एक एस्पेक्ट होता है पिकअप का कि आपको कैसा पिकअप चाहिए। इन टेक्निकल टर्म्स इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, 2-3 सेकंड इट शुड गो अप टू 60, टॉप पिकअप, टॉप रेंज, टॉप स्पीड। तो वो आपको ये वाला मॉडल आपको पड़ेगा अराउंड 70,000, यस 70,000 विद 150 का रेंज, यस एग्जैक्टली, एंड अप टू स्पीड अप टू 90 किलोमीटर पर आवर। या अब ये पैसा बोलो कि मुझे 80 किलोमीटर रेंज चाहिए, 150 नहीं चाहिए, इतना फास्ट नहीं चाहिए, आई वांट स्पीड ओनली अप टू 45-50, तो वो चीज भी आपको अराउंड 40,000 में आपको हो जाएगा। इसमें आपको गारंटी वारंटी रहेगा अराउंड 3 ईयर्स का, 3 साल में अगर आपका बैटरी या मोटर या किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इट इज रिप्लेसेबल विद 0 एक्स्ट्रा चार्जेस। इसके अलावा अगर आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम आता है कि पार्ट्स में प्रॉब्लम आया, सीटिंग में प्रॉब्लम आया या किसी भी चीज में आपका प्रॉब्लम आया, तो इट इज जस्ट नॉर्मल एक्टिवा और एक्सेस, आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो और वो बंदा या जो सर्विस गैरेज वाला को वो आपको इजीली रिप्लेस कर लेगा। ये इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप कुछ नया खरीदते हो देन फॉर द पार्ट्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, इसमें आपको नहीं एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। प्लस 3 ईयर्स का तो हम वारंटी गारंटी आपको देंगे इसमें, और इसके बाद भी अगर जब भी ये खत्म हो जाता है 5 साल के बाद, यू कैन गिव दिस थिंग बैक टू अस एंड वी विल रिफंड समथिंग सम अमाउंट टू यू। डेमो वाले लोग आएंगे
जाएंगे। हमने आपका वीडियो देखा था, हमें भी डेमो चाहिए, हमें भी आप राइड करवाओ, कैसा चलता है क्या चलता है। डेमो के लिए ऐसा है, डेमो के लिए हमारे पास एक डेमो व्हीकल है, ये XEV जो हमने रखा है, ये एक्चुअली मेनली डेमो पर्पज से ही है और एडवर्टाइजमेंट पर्पज से था। और इसके लिए हम आपको वीडियो के अंदर आपको एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक नंबर मिल जाएगा, फोन करके या फिर उस पर हमको मैसेज करके व्हाट्सअप करके आप हमको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको अगर चलाना है टेस्ट करना है तो हम आपको उस वक्त वो व्हीकल अवेलेबल करा सकते हैं। पर एक एकदम अभी टॉप मॉडल है जो वी आर गोइंग टू शो इन द नेक्स्ट वीडियो आई गेस। तो वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। सस्पेंस। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद इतना तो मुझे समझ आता है, अगर मेरा बजट मिनिमम 45,000 रुपीज का है और मुझे रेंज चाहिए 70-80 के आसपास, स्पीड लिमिटेड चाहिए, मतलब 50 तक मेरी स्पीड अच्छे से 60-65 तक मेरी स्पीड चली जाए, तो इतने बजट के अंदर मेरा काम हो सकता है और वो भी अच्छे बिल्डअप गाड़ी के साथ, जो भी वेल बिल्ट, जो पुराना गाड़ी था, नया गाड़ी लाओ फिर भी हो सकता है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए एथर वाला पावर, मतलब पागल पावर 90-95 की टॉप स्पीड वाला वैसा चाहिए, पुश चाहिए और रेंज भी चाहिए खतरनाक वाली 130-120 वाली रेंज चाहिए और मेरे पास पैसा भी है, लाइक आई कैन स्पेंड अप टू 70,000-75,000 रुपीज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। बाकी कोई करे ना करे, मयंक भाई कर रहे हैं और महर्षि भाई कर रहे हैं, इनका कॉन्टेक्ट करो, आपको बेस्ट डील इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपका घर का खुद का गाड़ी घर से पड़ा है ना, वो पता है ना पड़ा है गैरेज के अंदर साइड में पड़ा है गली में, वो लेके आओ, ये सब बना के देंगे अपने तरीके से और बढ़िया वाली डील आपको देंगे। और मैंने जहाँ तक देखा है अहमदाबाद में, दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे आपको ऐसे कस्टमाइज वाला ऑप्शन मिल रहा है और ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको बना के दे रहे हैं, बाकी सब तो बेच रहे हैं, ये लोग इन्वेंट कर रहे चीज है, तो इन्वेंट जो करते ना उनके पास दिमाग होता है, बाकी सब तो सेल्स में लगे, बस सेल्स बढ़ाओ। ये वाला गाड़ी घर से ही चार्ज करते, ये वाला गाड़ी है XEV, इस पे लगाएंगे हम रुपेश चावड़ा स्टिकर, जो कि पहले लगाना था लेकिन लगा नहीं पाए थे, महर्षि भाई बिजी हो गए, वो जा रहे हैं अपने काम से बाहर। हम लोगों का हो गया यहाँ पे प्रोग्राम XEV के बारे में, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए XEV की, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन माने जो नीचे जो एरो लिखा होता है ना जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती है, उस पे जाके पढ़ना, उस पे जाके मिल जाएगा, बाकी डिस्प्ले पे आ गया होगा, नंबर ये है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और मयंक भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा इनके इस बढ़िया वाले प्रोजेक्ट में, और बस सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, चले मिलेंगे कल परसों तरसों कुछ एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, चलिए।